कोटि समप्रव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हेलो व्यूअर्स, आज मैं मोदक बनाने वाली हूँ जो कि गणपति जी के पास प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो चलिए अभी हम प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। मोदक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया है और 1/2 कप मैदा लिया है और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक लिया है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून घी लिया है जिसको मैंने गर्म करके फिर आटा में डाल रही हूँ। फिर उसको चम्मच में हम मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक हार्ड डो बना लेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं। सॉफ्ट रखना है। फिर हमें इसको ढक के 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। फिर हम स्टफिंग के लिए तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कोकोनट को ग्रेट करके लिया है, थोड़ा सा इलायची, ड्राई फ्रूट्स और गुड़। अभी हम गैस को ऑन कर लेते हैं। फिर हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। फिर ग्रेटेड नारियल को ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे जिसमें मैंने काजू लिया है और आलमंड लिया है। अभी हम थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसमें इलायची पाउडर डाल लेंगे। फिर हम गुड़ भी ऐड कर लेंगे। अभी गुड़ ऐड करने के बाद हमें गैस को बंद कर देना होगा। ये देखिए ऐसे कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। दूसरे प्लेट में निकाल देंगे। अभी हम आटा का छोटा छोटा लोई बना लेंगे जैसे कि हमारा मोदक परफेक्ट शेप में हो जाए। ये देखिए मैंने सारा लोई बना लिया है। इसको हम ढक के रख देंगे, एक एक करके निकाल के फिर कवर ढक के रख देंगे। हमें ये शेप में रोटी को बेलना है। फिर हम एक दूसरे प्लेट में इसको निकाल के रख देंगे। ऐसे करके हम 7-8 लोई को अच्छे से बेल के रख देंगे तो फिर हमें स्टफिंग देने में इजी होगा। अभी मैं आपको एक स्टफिंग लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए चारों तरफ मैंने कर्व करके सेंटर में ले लिया हूँ। फिर उसको वहाँ पे क्लोज करके, अच्छे से क्लोज करना है वरना स्टफिंग बाहर आ जाएगा। ये देखिए मोदक से रेडी हो गया है। अभी हम सारे स्टफिंग में डाल के अच्छे से मोदक शेप में रेडी कर लेंगे। ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है, ज़्यादा गरम नहीं करना है। ये देखिए इतना ही रहना चाहिए। सारे मोदक को हम ऑयल में डाल के मीडियम फ्लेम में डीप फ्राई करेंगे।
चारों तरफ से अच्छे से डीप फ्राई करना है ताकि अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए हमारा मोदक परफेक्ट कलर हो गया है, अभी हम इसको निकाल लेते हैं। परफेक्ट गोल्डन कलर मोदक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी डालिए। ये देखिए हमारा सारा मोदक फ्राई होके रेडी है। ये बहुत ही क्रिस्पी होना चाहिए और अंदर का स्टफिंग भी इसका बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आप एक बार पक्का ट्राई कीजिए इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।